सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल बिग थिंग्स इज़ी। गाइज यहाँ पे फाइनली रियलमी 2 प्रो के यूज़र को, जिनको रियलमी वाई की जो अपडेट है वो बीटा पे मिली थी, उन सभी यूज़र के लिए आज फाइनली यहाँ पे रियलमी वाई की जो स्टेबल अपडेट है वो यहाँ पे आज से रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुकी है जून के सिक्योरिटी पैच के साथ। जैसे कि यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, इस अपडेट की जो वर्जन है वो है F.07। इससे पहले जो वर्जन थी वो थी F.06 और ये जो वर्जन है वो है F.07। एंड बात करें इस अपडेट की साइज की तो नीचे पे आप लोग देख सकते हो 273 MB के करीब है इस अपडेट की साइज। काफ़ी स्मॉल सी साइज है इस अपडेट की, लेकिन कई सारे बग्स को इस अपडेट के अंदर फिक्स किए गए हैं जो कि आपको रियलमी वाई के बाद देखने को मिल रहे थे, और साथ ही कई सारे ऑप्टिमाइजेशन भी किए गए। तो जानेंगे आज के इस वीडियो में क्या कुछ ऑप्टिमाइजेशन किए गए एंड क्या कुछ बग्स को फिक्स किए गए हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपने अगर अपने चैनल को देख सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूले। तो चलिए आज की ये वीडियो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आप सभी को जो सबसे पहला चेंजेस देखने को मिलता है वो है सिक्योरिटी पैच। यहाँ पे आप सभी को जून का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच का सपोर्ट मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पे ऐप वाले इंटरफेस पे आप लोग देख सकते हो एडेड रियलमी लिंक। फाइनली यहाँ पे ऑफिशियल तरीके से रियलमी लिंक को भी ऐड कर दिया गया है। उसके बाद सेटिंग वाले इंटरफेस पे आप लोग देख सकते हो एडेड रोटेट स्वाइप अप जेस्चर बार्स विथ स्क्रीन फीचर। फाइनली यहाँ पे रोटेट स्वाइप अप जेस्चर को भी ऐड कर दिया गया। साथ ही यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन वाले इंटरफेस पे देख सकते हो ऑप्टिमाइज द इशू डेड इनपुट मेथड और लीक टू सिस्टम लैगिंग। काफ़ी दिनों से मेरे को कई सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भैया जी रियलमी वाई के बाद काफ़ी ज़्यादा लैगिंग की इशू जो है वो देखने को मिल रही है। तो फाइनली यहाँ पे जो लैगनेस इशू है वो यहाँ पर फाइनली फिक्स हो चुकी है। इसके बाद नीचे पे आप लोग देख सकते हो ऑप्टिमाइज स्क्रीन रिकॉर्डिंग आइकन साइज। तो फाइनली यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग के आइकन साइज को भी यहाँ पर ऑप्टिमाइज कर दिया गया एंड ऑप्टिमाइज द मूवेबल रेंज ऑफ स्क्रीन रिकॉर्डिंग आइकन, इसे भी यहाँ पर फाइनली ऑप्टिमाइज कर दिया गया। इसके बाद नीचे पे आप लोग देख सकते हो कई सारे यहाँ पर बग्स को फिक्स किया गया। सबसे पहले जो बग्स था वो था फिक्स द इशू डेट प्रोबेबिलिस्टिक फोन रिस्टार्ट। क्या होता था, कभी कभी जो फोन था वो खुद ब खुद रिस्टार्ट हो जाता था। एंड फिक्स द इशू ऑफ ब्यूटिफिकेशन फेलियर इन क्विट फोटो मोड। कभी कभी क्या होता था, आपकी जो ब्यूटी मोड है जो क्विट मोड है वो कभी कभी प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता था, आपके फेस को डिटेक्ट नहीं कर पाता था। तो फाइनली इस प्रॉब्लम को भी यहाँ पर फाइनली फिक्स कर दिया गया। उसके बाद नीचे पे आप लोग देख सकते हो फिक्स द इशू ऑफ लैगिंग कॉज्ड बाय द सेल्फ स्टार्टिंग ऑफ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन। क्या होता था, आप अगर कभी कभी कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को स्टार्ट करते थे ओपन करते थे तो काफ़ी ज़्यादा लैगनेस वहाँ पे आपको देखने को मिलती थी, और कभी कभी कोई एप्लीकेशन जो है वो क्रश हो जाती थी। तो उसे भी यहाँ पर फाइनली फिक्स कर दिया गया। एंड इसके बाद यहाँ पे जो अगला एंड लास्ट बग्स को फिक्स किया गया वो है फिक्स द इशू दैट कैन नॉट टेक पिक्चर एंड इम्प्रूव स्टेबिलिटी। कभी कभी आप अगर किसी भी इमेज वगैरह को क्लिक करते हो, फोटो वगैरह क्लिक करते हो, तो कभी कभी वो जो फोटो है वो टेक नहीं हो पाता है, क्लिक नहीं हो पाता है और आपकी गैलरी पे सेव नहीं होता है। तो इसे भी यहाँ पर फाइनली फिक्स कर दिया गया। तो ये सारे बग्स को यहाँ पर फाइनली फिक्स कर दिया गया। काफ़ी सारे मेरे को कमेंट्स आ रहे थे कि भैया ये रियलमी 2 प्रो में जो काफ़ी सारे बग्स है रियलमी वाई के बाद देखने को मिल रहे हैं वो सारे कब तक फिक्स होंगे। तो फाइनली इस अपडेट के बाद जो है काफ़ी सारे बग्स को फिक्स किए गए हैं। तो ज़्यादा जल्दी फटाफट से चेक करो, हो सकता है ये जो अपडेट है वो आपको रिसीव हुआ हो। अगर ये अपडेट आपको रिसीव हुआ हो तो आप लोग मेरे को कमेंट करके जरूर से बता सकते हो। तो मेरे गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके रिगार्डिंग मेरे को कमेंट करके जरूर से बता सकते हो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सर इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट्स करो, शेयर करो। तब तक के लिए चलता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।